यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि प्रदेश के जिस भी जिले में जमीन उपलब्ध होगी वहीं एक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को फरीदाबाद में कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनी का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का विकलांगों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने देना चाहिए और भिवानी में चल रहा विकलांगों के धरने पर उन्होंने कहा कि उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया गया है, बाकी बचे कुछ मांगों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकार को बेबसी बताया। मनु ने कहा कि कांग्रेस भर्ती, भ्रष्टाचार और सीएलयू के लिए काम करती थी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के सवालों पर उन्होंने कहा कि वे आम आदमी के प्रति जवाबदेह हैं। मामा का काम नहीं, अब मामा का काम तो है ही, मेरा ननिहाल है और यहाँ पर एक दिव्यांगों के लिए एक कृत्रिम अंग बनाने के लिए, उनके लिए यंत्र उपकरण बनाने के लिए यहाँ पर एक नया कारखाना उत्तरी भारत का कानपुर के बाद यहाँ पर लग रहा है, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे। आज उन्होंने शिलान्यास किया और 20 करोड़ इस कारखाने पर लागत आएगी और जल्दी तैयार होगा। अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके हमारे मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनके प्रयत्न से और मंत्रालय ने एक विशेष एक प्रकल्प यहाँ जो शुरू किया है एलिमको कंपनी के माध्यम से, जहाँ दिव्यांगों के लिए कृत्रिम जो उनके उपकरण हैं, ये सब प्रकार के उपकरण उनको बनाए जाएंगे इस उद्योग में और इसका शिलान्यास किया है। मैं श्री कृष्णपाल जी को और उनके विभाग को अपनी ओर से बधाई देता हूँ।